नमस्कार जी हाँ दोस्तों, ठीक एक दिन बाद 29 अप्रैल की तारीख है और पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की तरफ आ रहा हिमाचल पर्वत से भी बड़ा उल्कापिंड 24 घंटे से भी कम समय बचा। इस खबर को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, धरती पर 29 अप्रैल को प्रलय आने वाला है, अब वह एक दिन ही दूर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार एक उल्कापिंड 29 अप्रैल को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस उल्कापिंड का स्पीड जिया दोस्तों 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में 19,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब एक दिन बाद इसका समय आने वाला है। इससे पहले वैज्ञानिक इसे पृथ्वी से दूर रखने के लिए पूरी ताकत से झुके हुए हैं। अगर आप भी इसे बचाना चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रलय को बचने के लिए आप भी दुआ कीजिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस उल्कापिंड के धरती से टकराने की संभावना बेहद ही कम है। अब इसके पृथ्वी के करीब 24 घंटों से भी कम समय बच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत ही नजदीक समय आ रहा है। वैज्ञानिकों सिर्फ इतना ही डर है कि यदि यह उल्कापिंड अपना थोड़ा सा भी स्थान परिवर्तन कर लेता है तो पृथ्वी पर कोरोना के साथ साथ पूरी तरह से ये भी तबाही मच देता है। भारत समेत दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिक इस उल्कापिंड की ओर अपनी गहर नजर बनाए हुए। नासा के अनुसार यह विशालकाय उल्कापिंड 24 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे पृथ्वी के नजदीक गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी घर बैठे सावधान रहिए। इससे पहले भी 2013 में भी एक ऐसा ही उल्कापिंड पृथ्वी के काफी करीब पहुंचा था और यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने करीब से गुजरा था कि इसे शाम के वक्त आसमान में साफ साफ दिखा जा रहा था। इस उल्कापिंड ने अपने गुजरन के बाद आसमान में पीछे धुएं का कई किलोमीटर लंबा घना और सफेद चमकदार बादल। लेकिन जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं वो 24 घंटे से भी बहुत कम समय बचा हुआ और इसी रफ्तार के पास पृथ्वी की तरफ आ रहा है ये उल्कापिंड। लेकिन क्या है पूरी खबर, आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे और नई खबर पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।